नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का महादेव क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रश्न इंटरव्यू में कौन सी बातें पूछी जाती है। प्रश्न इंटरव्यू में क्या सबसे मुख्य बिंदु होता है जो हम लोगों को मेंटेन करके रखना होगा। तो बहुत से लोगों को ये बातें पता है, जिनको नहीं है पता वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, और जिनको पता है तो वो लोग मेरी वीडियो को मत देखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब बात करते हैं कि प्रश्न इंटरव्यू का मुख्य बिंदु क्या होता है। प्रश्न इंटरव्यू का मुख्य बिंदु आप ही लोग होते हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न इंटरव्यू में सबसे पहले आप लोगों को देखा जाता है, आप लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल को देखा जाता है, आप लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखा जाता है। आप क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, वो आपके चेहरे से ही पता चल जाता है। इसलिए आप कितने जो भी बातें पूछे जाते हैं, आप कुछ भी बोल दें, आपकी चेहरे आपकी सच्चाई को बता देते हैं। इसलिए आपको अपने चेहरे के हाव भाव को मेंटेन करके रखना होगा। अब बात करते हैं कि प्रश्न इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो प्रश्न इंटरव्यू में आपको ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहनने से बचने हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कोई नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपसे आप के सामान्य ज्ञान को पूछा जाएगा, इसलिए आप जो है यहाँ पे रंगीन कपड़े पहनने की कोशिश करिएगा। रंगीन में आप लाइट कपड़े पहन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल भी आप सिंपल रखिएगा, ना कि आप जेल वेल लगा करके बाल को खड़ा कर लीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं आपके चेहरे के हाव भाव को। चेहरे के हाव भाव को इस तरीके से नोटिस किया जाता है कि अगर आपसे अगर कोई इंटरटेनमेंट की बात की जाती है तो आपके चेहरे पे कैसी खुशी आती है। फिर कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आपसे घुमा फिरा फिरा करके कुछ ऐसी बातें पूछी जा सकती है जिससे आपकी ईगो आपके सामने आ जाए, उससे पता चल जाएगा कि आप इस खेल के लिए लायक नहीं हैं। अब बात करते हैं कि प्रश्न इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो प्रश्न इंटरव्यू में यूं तो जीके नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें निकल आती है जिससे जीके बन जाता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, मतलब आप कौन से खेल पसंद करते हैं, तो अगर आप लोगों ने कह दिया कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपसे क्रिकेट खेलना क्रिकेट देखना पसंद है, तो आपसे क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने कह दिया कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि आप कौन सी किताब पसंद करते हैं पढ़ना। तो आप जो भी किताब के बारे में बताएंगे तो आपसे आपकी किताबों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे जो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, किस सब्जेक्ट में को पढ़ना आप पसंद करते हैं। जो भी सब्जेक्ट से लेकर के आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो उस सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों ने जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताया होगा तो उस सब्जेक्ट से भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, नहीं, आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो देखा जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे होंगे तो आप आंसर जरूर सही देंगे, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आंसर आप सही नहीं दे पाएंगे। तो सच और झूठ का पता लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रश्न इंटरव्यू में अलग से जीके पूछा जाता है। तो नहीं, अलग से जीके तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो अभी करंट में जो चल रहा है, जैसे कि कोविड 19 जो चल रहा है, तो आपसे कोविड 19 से रिलेटेड ये बातें पूछी जा सकती है कि क्या कोविड 19 जो चल रहा है तो उसके नियमों का आप लोग पालन कर रहे हैं। अगर पालन कर रहे हैं तो हाँ बोल सकते हैं। फिर इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपने किसी गरीब की मदद करी या नहीं करी कोविड 19। तो अगर हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो आपके चेहरे से दिखाई दे जाता है। अगर आप सच बोल रहे होंगे तो चेहरे का तेज ही अलग होता है, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो वो चेहरा खुद बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर अब बात करते हैं प्रश्न इंटरव्यू में आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछी जाती है। पर्सनल लाइफ का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके नाम, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, कितने भाई बहन हैं, माँ बाप क्या करते हैं, फैमिली में कौन लोग हैं, फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं, कौन आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट करता है, कौन आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट क्या करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ के बारे में पूछी जाएगी कि अगर आप
शादीशुदा हैं तो आपकी शादी कैसी हुई, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज हुई है तो वो किस तरह कैसे हुई, उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको बतानी होगी, ताकि जब अगर आप लोग हॉट सीट पर बैठते हैं तो वो अमिताभ बच्चन जी जो हैं आप लोगों ने जैसे देखा होगा तो उनको पहले से पता होता है, तो वो लोग ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं, इसलिए आपकी मैरिज लाइफ को भी पूछी जा मैरिज लाइफ के बारे में भी पूछी जाती है। इसलिए आप लोग जो भी सच्ची बातें हैं आप लोग उस बात को बताइएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता हो आपको वो बताना है, जैसे कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ दुख वाली बातें या फिर कुछ संघर्ष वाली बातें या फिर कुछ हंसी मजाक वाली कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आप किसी दूसरे को नहीं बताए होंगे, तो वैसी कुछ अगर बातें हैं तो आपको वहाँ बताना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्रश्न इंटरव्यू में कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू में जो है 500 से 600 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू की संख्या जो है बाद में घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो घटाएंगे या बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितने उम्र वाले लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू में जो है 60 से ऊपर वाले लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो केस चल रहा है तो इसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को ना तो शूटिंग करने की इजाज़त है ना ही शूटिंग में मौजूद रहने की इजाज़त है, और 60 साल से ऊपर के लोगों को संक्रमण का ज़्यादा खतरा होता है, कुछ बीमारियां घेर लेती है, जिस कारण से वहां पे सेफ्टी बनाए रखने के लिए इस साल इस नियम को पालन करना पड़ेगा। इसलिए 60 साल से ऊपर वाले लोगों को प्रश्न इंटरव्यू के बाद नहीं चुना जाएगा। हो सकता है कि आप लोग प्रश्न इंटरव्यू में आ सकते हैं, लेकिन प्रश्न इंटरव्यू के बाद आपको आपके एज के कारण छाट दिया जा सकता है। इसके लिए आपको निराश नहीं होना है, आप अगले साल कोशिश करिएगा, इस बातों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी ये समय ही ऐसा है। अब बात करते हैं कि प्रश्न इंटरव्यू के बाद क्या होता है। तो प्रश्न इंटरव्यू ये आपका आखिरी चरण है, उसके बाद आपको जो है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुना जाता है। आप लोगों में से जो भी लोग फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो चुनेंगे तो उनको कॉल करके या फिर मेल करके आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि KBC कब से स्टार्ट होने वाला है। तो KBC जो है 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।